हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद काशान। तो आज हमारे किचन में बन रहे हैं वाइट चना। तो वाइट चने बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, तो मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून हरा धनिया, 2 टेबलस्पून पुदीना लिया है जिसे मैंने धोकर चॉप कर लिया। 1 लार्ज साइज की मैंने अनियन ली है जिसे मैंने गोल गोल स्लाइसिस में काट लिया। 1 टमाटर लिया है जिसे मैंने चॉप कर लिया। तो यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून इमली ली जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून पानी डाल के इसे मैंने सोक कर लिया। तो ये मेरे पास 2 टेबलस्पून इमली का पल्प है। और एक मैंने यहाँ रेड वाली मिर्च ली है जिसे मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया। तो 2 कप मैंने यहाँ सफ़ेद चने लिए हैं जिसे मैंने बॉयल कर लिया। तो इसमें मैंने सोडा डाल के इसको बॉयल कर लिया था। 1 मैंने बॉयल पोटैटो लिया है लार्ज जिसे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया। और मसालों में मैंने यहाँ लिया है 2 टेबलस्पून छोलों का मसाला लिया है, मैं इसकी आपको रेसिपी जल्द ही दूंगा। 1/2 टीस्पून मेरे पास यहाँ चाट मसाला है, 1/2 टीस्पून मेरे पास यहाँ ज़ीरा पाउडर है, 1/4 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून मेरे पास पिसी मिर्च है और 1/2 टीस्पून मेरे पास कुटी मिर्च है। तो आइए इसको छोलों को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक सर्विंग बाउल ले लिया, इसमें मैं छोलों को प्रिपेयर करूँगा। तो उसमें सबसे पहले मैं अपने बॉइल्ड चिक पीस डाल दूँगा, फिर मैंने इसमें ये ऐड कर दिए। अब मैं इसके अंदर ये अपने बॉइल्ड पोटैटो जो थे जिसको मैंने क्यूब्स में काट के रख लिया था ये ऐड कर दूंगा। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगा, अनियन जिसको मैंने स्लाइसेस में काट लिया था। इसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगा। तो ये देखें, ये सब चीज़ें जा चुकी हैं। सबसे पहले मैं इन चीज़ों को मिक्स करूँगा। तो ये देखिए, ये सब चीज़ें मैंने उसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ये 2 टेबलस्पून हरा धनिया, 2 टेबलस्पून पुदीना ये ऐड कर दूंगा। और इसके साथ साथ मैं इसमें ये इमली का पल्प भी ऐड कर दूंगा। तो ये देखें, आप इसकी जगह लेमन जूस भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ इमली ले ली है और इसके साथ साथ मैं हरी मिर्च ऐड कर दूंगा, लाल मिर्च यानी। और सब इन चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगा। मसाले हम एंड में डालेंगे। तो ये देखिए, अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है तमाम। मैंने इसमें वेजिटेबल्स, इमली का पल्प डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें मसाले डाल दूंगा, नमक, पिसी मिर्च, कुटी मिर्च, ज़ीरा पाउडर, छोलों का मसाला और चाट मसाला, ये सब चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे, तमाम मसाले। तो ये इसमें जा चुके हैं, अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगा। ये देखिए, हमारी मज़ेदार सी छोलों की चाट तैयार हो रही है। तो ये अब मैं इसको सर्व बॉल में ऐड कर दूंगा, सर्विंग बॉल में। तो ये देखिए, मैंने बॉल से इसको सर्विंग डिश में डाल दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा दही से डेकोरेट कर दूंगा। तो ये देखिए, तैयार है हमारी वाइट चना चाट। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, कमेंट्स करना मत भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।